बराबर। देखिए होता क्या है, आप यही कह रहे हैं ना कि घर में कोई भी नेगेटिव सोचता है आपके बारे में और आपके भी उनके लिए फिर नेगेटिव थॉट चलते हैं, तो इसे कैसे अपने आप को बचाएं। बात सही है। आपने देखा होगा कई बार कि हम सड़क पे चल रहे हैं या हम ड्राइव कर रहे हैं और कोई सामने वाला सही ड्राइव नहीं कर रहा है, तो हम उसको देख के गलत ड्राइविंग शुरू नहीं कर देते हैं। ये मोटे रूप से हमें समझ में आता है, अपने आप को हम बचा लेते हैं या हम साइड में खड़े हो जाएंगे या हम वहाँ से निकल जाएंगे, कुछ भी हम करेंगे लेकिन हम उससे जाके भिड़ेंगे नहीं, उसको हम टक्कर नहीं मारते हैं, है ना। या फिर जैसे मानो आप फुटपाथ पे चल रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, गलत ड्राइव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, साइड हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आ मैं ही खड़ा रहूँगा, अगर मैं वहीं खड़ा रहूँ तो क्या है कि हाँ मेरा ओम शांति हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऐसे ही घर पे हम सभी आत्माएं हैं और सभी क्या है, इस शरीर रूपी गाड़ी से इस सृष्टि रूपी सड़क पर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि किसी किसी ने पी हुई है, यानी ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं। अब ड्रिंक क्या की हुई है, यहाँ पे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की ड्रिंक है ये, वो शरीर वाली होती है, ये आत्मा की ड्रिंक है, मतलब जो मन को पिलाई हुई है। अब इसे पी कर वो ड्राइव करेंगे तो होगा क्या, इधर उधर को तो गाड़ी भगेगी ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अच्छा तुमने पी हुई है, ले मैं भी पी लेता हूँ। तो फिर क्या होता है, आपको पता है अगर सड़क पे दो गाड़ी ऐसी चलें कि दोनों ने पी हुई है तो फिर एक्सीडेंट तो होएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि घर में एक व्यक्ति ने ड्रिंक किया हुआ है तो मुझे अपने आप को बचाने के बारे में विचार करना है, ना कि उसे नीचा दिखाने या उसे हराने का। अगर मैं ये सब चक्कर में पड़ गया ना तो मेरा तो हो लिया बस, मैं तो गया काम से। तो मुझे क्या करना है अभी, तो मुझे अपने आप को बचाना है ना। तो बचाने के लिए अपने माइंड पे फोकस करेंगे, जब अपनी तरफ फोकस करेंगे तो जो आज एनर्जी उन्हें परास्त करने में लगी हुई है, उन्हें नीचा दिखाने में लगी हुई है, वो एनर्जी आपको ऊपर उठाने में लग जाएगी। ठीक है, देखो समस्या कुछ और नहीं है, कमजोर मन की रचना है। वो जो समस्या हमें दिख रही है ना, वो हमारे कमजोर मन का रिफ्लेक्शन बाहर नजर आ रहा है। जैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बना लेंगे तो खुशहाल जीवन या सफलता कुछ और नहीं, शक्तिशाली मन की रचना है। अपने मन पर ध्यान दीजिए, मन पर, मन बीज है, जितना इस बीज को वॉटरिंग करेंगे ना, अपने आप देखेंगे घर संसार पूरा सुखी बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने आप को स्वयमानों से श्रृंगारित करो, अपने माइंड को बहुत सुंदर सुंदर स्वयमान दो। रात को सोने से पहले सवेरे उठते ही तो झड़ी लगा दो, लेकिन दिन भर में भी हर घंटे कुछ मिनट विशेष स्वमान पे फोकस करो, जितना फोकस उनके बारे में किया जा रहा है। हाँ मैं जानता हूँ शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी अभ्यास हो गया है उनसे भिड़ने का, तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन के साथ, जैसे शुरू में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कैसे पूरा अटेंशन रखते हैं, बिल्कुल आंखें वहीं लगा के रखेंगे ना, फिर जब चलाते हैं लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही थोड़ा टेंशन रखना है, जैसे माइंड उनके बारे में सोचे तो अपने माइंड से बात करे, हे मेरे मन तुम तो बहुत प्यारे हो, बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें तो परमात्म ज्ञान है, इन्हें तो ज्ञान भी नहीं है, तुम किससे भिड़ रहे हो। हे मेरे मन तुम्हारा तो काम है इन मनों को शांति का दान देना, प्रेम का दान देना, तुम अपना कार्य करते रहो। बात करते मन शांत हो जाएगा, मन फिर रोएगा थोड़ी देर बाद, फिर बोलेगा, फिर उसे याद दिलाओ, हे मेरे मन आप तो बहुत प्यारे हैं, बड़े मीठे हैं, आपको सबको प्यार देना है, शांति देनी है। हे मेरे मन आप तो जानते हैं ये पहले से ही परेशान है, क्यों किसी मरे को मारते हो। ऐसा करते हैं ना, हे मेरे मन तुम शांत हो जाओ बस, अब देखना ऐसा होगा, होगा बिल्कुल होगा, कि हमारा मन सबसे अधिक हमारी ही सुनता है, किसी और की नहीं। सुना कर देखो उसे, हम सुनाते नहीं हैं तो मन कहता है कि, जब कभी सुनाते ही नहीं तो आज सडनली सुनाने बैठते हो तो मन सरप्राइज हो जाता है, भाई इसको क्या हुआ। तो मन को सुनाने की आदत डालो, अच्छी अच्छी बातें मानता है ना, जब बुरी बुरी बातें बोलते हो तो सारी मानता है ना, अच्छी अच्छी भी मानेगा लेकिन अच्छी सुनाते नहीं है, तो अच्छी सुनाओ। जैसे बुरी सुनाते रहते हैं, खाना बना रहे हैं लेकिन
बुरी बातें उसको सुना रहे हैं, वो सुन भी रहा है और देखो तुरंत रिप्लाई भी कर रहा है ना। वैसी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ तो मन सुनता जाएगा और फिर देखना कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब हम मन को अच्छी बातें सुनाते हैं ना तो मन प्योर एनर्जी रेडिएट करता है। घर में जिनके लिए हमारे मन में ऐसे विचार चल रहे हैं उनमें कुछ तो विशेषता होगी, उनकी विशेषता अपने मन को दो चार सुना दो, देखो फिर आपका मन उनमें विशेषता खोजने लग जाएगा। और ये सवेरे उठ के ज़रूर सुनाना, जैसे आंखें खुली, आंखें खुलते ही एकदम बोलो कि हे मेरे मन, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम में परमात्म शक्तियाँ भरी हुई है, तुम क्षमा के सागर के संतान हो। तो फिर देखेंगे कि जैसे जिसके बारे में ऐसा चल रहा है उनकी एक पॉजिटिव चीज़ सामने लाएंगे और देखेंगे कि ये आत्मा मेरी बहुत अच्छी मित्र है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, इनमें ये कितनी अच्छी विशेषता है, इन्होंने मेरे लिए उस दिन ये कितना अच्छा काम किया था, हे मेरे मन इन्हें शुक्रिया अदा करो। करो और देखो कमाल, एकदम प्योर एनर्जी जाएगी उनके पास और वो खुद आके आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएंगे। आपके घर ये तो जादू हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। सवेरे उठ के ऐसा करिए, ऐसी रात को सोने से पहले करिए, सब ठीक हो जाएगा।